हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, आप सब जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है पबजी मोबाइल में जो है फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि जो है उनकी गेम जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, या फिर जो है लॉग इन इशू आ रहा है, और गेम जो है चाइनीज लैंग्वेज में, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आज जो है हम उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जो है आपको जो है फ्यूचर की अपडेट्स जो है मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पबजी मोबाइल में, तो सबसे पहले तो हमारे उन भाइयों को थैंक्स जो जिन लोगों ने जो है कमेंट करके बताया कि जो है उनकी गेम नहीं चल रही है या वो गेम इंस्टॉल वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बेसिकली हम जो है यहाँ पे दो तीन प्रॉब्लम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो है गेम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं आप। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप गेम इंस्टॉल हो जाती है, अगर कोई किसी की गेम इंस्टॉल हो जा रही है, तो वो है जो है लॉग इन नहीं कर पा रहा है, वी चैट लॉग इन नहीं कर पा रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आ रही है, वो सबको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जो जिन लोगों का गेम जो है इंस्टॉल्ड नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप जो है उन वीडियोस को देख करके आप जो है वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपने गेम पे, तो होपफुली जो है आपका गेम चल जाएगा। बेसिकली उन वीडियोस में ये बताया गया है कि आपको जो है एपीके एडिटर से जो है आपको कुछ जो है चेंजेस करने हैं आपके जिस भी स्टूडियो का जो है आपके पबजी मोबाइल के गेम में जो है आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस ऐप के थ्रू जो है आप कर पाएंगे। तो भी उसको उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए जो है एपीके एडिटर के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, तो ऊपर के आई बटन में जो है आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें जो है मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को लेकर के, एपीके एडिटर को लेकर। और बाकी आप वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। और अगर इसके बाद भी अगर आपका जो है गेम नहीं चल पाता या इंस्टॉल नहीं हो पाता, तो हो सकता है आपका जो है मोबाइल सपोर्ट ना कर रहा हो, आपका जो है प्रोसेसर सपोर्ट ना कर रहा हो, या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट ना कर रहा हो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट ना कर रहा हो, इसीलिए जो है आपका गेम इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। क्योंकि पबजी के जो है दो गेम है, एक है पबजी एक्सेलरेटिंग बैटलफील्ड और दूसरा है पबजी आर्मी अटैक। तो बेसिकली ये दोनों गेम जो है अलग अलग स्टूडियोज से आते हैं, हालांकि पब्लिशर दोनों का एक ही है टेंसेंट, बट ये अलग अलग से आते हैं। दोनों में डिफरेंसेस है साइज़ का और ऑप्टिमाइजेशन का, तो हो सकता है कि आप अगर इन दोनों में से किसी का यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे जो है वो चल नहीं पा रहा, तो शायद ऑप्टिमाइजेशन का इशू आ रहा हो। तो आप जो है अगर दोनों आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, दोनों में से कोई ना कोई एक चल जाएगा, अगर फिर भी नहीं चल पाएगा तो समझ लीजिएगा सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है आपकी बेसिक मीट नहीं हो पा रही है। तो चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो अगले प्रॉब्लम जो है वो है लॉगिन एरर। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जो है ये जो है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि ज़रा ये आ क्या रहा है। जैसे आप मतलब गेम ओपन करते हो तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। अब गेम जो है चाइनीज़ में है, तो चाइनीज़ में होने की वजह से हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, ज़रा एक नज़र डालते हैं कि इस मैसेज में ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर इस मैसेज को हम कन्वर्ट करें, क्योंकि चाइनीज़ तो हमें आती नहीं, तो हम इसको ज़रा ट्रांसलेट करें अगर गूगल ट्रांसलेटर से, तो मैसेज जो है कुछ इस तरीके का बन के आएगा इंग्लिश में। डियर स्पेशल फोर्सेज, द सर्वर इज़ नॉट येट ओपन, प्लीज़ पे अटेंशन टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इसी मैसेज को अब हम हिंदी में कन्वर्ट करें, प्रिय विशेष बलो, सर्वर अभी तक खुला नहीं है, उद्घाटन के समय के दौरान आधिकारिक घोषणा पर ध्यान दें, आपके समर्थन और समझने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि बेसिकली ये जो है स्टार्टिंग में जो है ये आपका कोई एरर वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है ब्लॉक कर दिया गया है या आपको बैन कर दिया गया है या वी चैट में जो है प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल सा एक मैसेज है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज है जो कि हमको लॉगिन करते वक्त बोला जा रहा है। तो अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बेसिकली ये जो चीज़ हो रही है ये हो रही है सर्वर मेंटेनेंस की वजह से। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जो है लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वी चैट के थ्रू, तो उनको मैं बता दूं कि वो उस टाइम पे लॉगिन कर रहे होते हैं जब जो है सर्वर मेंटेनेंस होता है। तो अब मान लीजिए कि सर्वर मेंटेनेंस 3 से 6 का है, तो 3 घंटे के बीच में अगर आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, तो कितनी बार भी आप लॉगिन कर लीजिए, ये मैसेज दिखाने के बाद जो है आप जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो बहुत लोग 10 बार 20 बार भी कर रहे हैं ट्राई लॉगिन करने का, पर फिर भी नहीं हो पा रहा। तो यही रीज़न है कि सर्वर मेंटेनेंस में जा रहा है। और इस चीज़ की जो रिपोर्ट है इस चीज़ के बारे में जो है आपको इनके ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी, जो कि पबजी मोबाइल के नाम से है। और ये जो है ये बेसिकली अनऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सर्वर मेंटेनेंस की जानकारी मिल जाएगी कि कितने बजे से और कितने बजे तक जो है ये सर्वर मेंटेनेंस में रहता है, और उसके बाद जो है आप ये गेम खेल पाएंगे। तो मैंने कल, मेरे को जानना था कि क्या हो रहा है, तो मैंने क्या दूसरा गेम डाउनलोड कर लिया, जो कि मैं पहले लाइट स्पीड का गेम जो है खेल रहा था, उसके बाद
जो है मैंने इसके चक्कर में जो है दूसरा गेम डाउनलोड किया, तो उस गेम में मैंने किया तो उस चीज में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि कल मैंने जो लाइट स्पीड वाले में किया तो उसमें जो है सेम मेरे को यही एरर आ रहा था, सेम यही मैसेज आ रहा था। एरर तो नहीं कह सकते इसको, एक टाइप का मैसेज ही है, बहुत लोगों का एरर लग रहा है बट मैसेज है ये। तो फिर दूसरे वाले में किया तो दूसरे वाले में स्मूथली चल गया, मेरे को सर्वर मिल गया, आराम से मैं खेल रहा था गेम। तो ये चीज़ को ज़रा समझो आप लोग, और अगर आप चाह रहे हो कि खेलना चाह रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है दोनों वर्जन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जब भी सर्वर मेंटेनेंस में जाता है तो जो एक स्टूडियो वाला है, जैसे कि लाइट स्टूडियो वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बैकअप के लिए आप जो है टीमी स्टूडियो का भी रख लीजिए, कि इनकेस अगर लाइट स्पीड का जो है सर्वर मेंटेनेंस में चला जाता है तो आप जो है दूसरे वाले टीमी स्टूडियो वाले गेम पे जो है आप उस गेम को खेल पाएंगे, क्योंकि दोनों स्टूडियोज़ का जो है सर्वर एक टाइम पे मेंटेनेंस में नहीं जा सकता अभी जो, क्योंकि दोस्तों जो लोग जो है पबजी रेगुलर खेल रहे हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि हर एक दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपडेट आता रहता है। तो अभी जो है पबजी मोबाइल पे जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, उस अपडेट के बारे में मैं जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड होने वाली हैं और काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज होने वाली है, बग फिक्सेस होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यही चीज़ थी, यही रीज़न है इसका। तो आप जो है उस टाइम के बाद अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप जो है ईजिली लॉगिन कर पाएंगे, और क्यू से आप लॉगिन कर सकते हैं या वीचैट से लॉगिन कर सकते हैं, ईजिली लॉगिन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए, इनकेस अगर एक का सर्वर मेंटेनेंस में चला जाता है तो दूसरे गेम जो है आप खेल पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आ रही है, तो लैंग्वेज जो है हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सैडली कि हम जो है किसी भी तरीके से जो है हम गेम का जो है लैंग्वेज जो है चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरफेस में वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, और डेवलपर्स ने कहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को वो जो है फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं तो हो सकता है वो जो है नए अपडेट्स में जो है बाकी लैंग्वेजेस जो है इंक्लूड कर दें, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो है वो इंक्लूड कर दें, पर फिलहाल के लिए अभी नहीं है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने आप जो है कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, कुछ गाइड्स देख सकते हैं जिनको जो आपको नेविगेट करने में हेल्प होगी आपके गेम में। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो ये इमेजेस की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इन इमेजेस के थ्रू जो है आप पूरे गेम में नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम टीमी स्टूडियो और लाइट स्पीड स्टूडियो के गेम प्ले देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कल मैंने गेम खेला और मुझे टीमी स्टूडियो का गेम जो है ज़्यादा बेटर लगा लाइट स्पीड से, क्योंकि लाइट स्पीड वाले में जो है लाइट स्पीड एक्सेलरेटिंग क्योंकि दो स्टूडियो से आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो लाइट स्पीड स्टूडियो जो है लाइट स्पीड की तरफ से आता है पबजी एक्सेलरेटिंग बैटलफील्ड, जो कि एग्जैक्ट कॉपी है आपके पीसी वर्जन का, और टिमी स्टूडियो की तरफ से आता है आर्मी अटैक, पबजी आर्मी अटैक। तो ये जो है नेवल अटैक टाइप का है ये, हालांकि गेम प्ले दोनों का सेम है पर ये मिरर नहीं है, जो पीसी वाला है ये वो एग्जैक्ट वाला नहीं है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब दोनों में जो है काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है। जब मैंने गेम प्ले, जैसे कि आप जो है स्क्रीन पे गेम प्ले देख सकते हो, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि टीमी स्टूडियो का मुझे क्यों बेटर लगा। तो सबसे पहले तो जो है इसका कलर, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर कलर्स हैं आपके इसे लाइट स्पीड वाले स्टूडियो से, और दूसरा जो है साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, जो टेक्सचर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे, ग्राफिक्स भी थोड़ी अच्छी लगी, और गेम प्ले जो स्मूथनेस था गेम का वो भी बहुत बेटर लगा लाइट स्पीड से, और टच कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छी थी। प्लस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लैग हुआ था, जब नया जस्ट तुरंत इंस्टॉल किया था मैंने तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग हुआ था, बट उसके बाद जो है गेम काफ़ी स्मूथ चला, काफ़ी मज़ा आया खेलने में, लाइट स्पीड से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था मेरा टीमी स्टूडियो पे। बट ये है कि ये आर्मी अटैक वाला है, ये एग्जैक्ट मिरर नहीं है आपके पीसी वर्जन का, तो मे बी आप शायद इसको प्रेफर ना करें, दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी टीमी स्टूडियो का मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए गेम का तो आप जो है टीमी स्टूडियो वाला वर्जन जो है डाउनलोड करके खेल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है लाइट स्पीड पर भी जा सकते हैं। तो अब जो है इसकी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ कि जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, बट मैं एज्यूम मान के चल रहा हूँ ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं पे भी मेरे को मिला नहीं कि इसका कहीं बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मिल जाए। तो मैंने अपने जो है 2GB वाले रैम के फ़ोन में मैंने रन किया इस गेम को, और टीमी स्टूडियो का था तो टीमी स्टूडियो वाला मैंने रन किया और वो काफ़ी स्मूथ चला, स्टार्टिंग इनिशियल लैग था बट खैर कोई बात नहीं, उतना स्टार्टिंग में होता है, बट उसके बाद वो गेम जो है बहुत स्मूथ चला, टीमी स्टूडियो वाला गेम जो है चल गया। तो मान के चल सकते हैं कि 2GB मिनिमम 2GB रैम का हम मान सकते हैं, 2GB रैम, क्वाड कोर प्रोसेसर, तो क्वाड कोर प्रोसेसर मीडियाटेक वाला नहीं, क्योंकि मीडियाटेक वाला आई डोंट थिंक कि वो हैंडल कर पाएगा, स्नैपड्रैगन का 400 का कोई भी सीरीज़ ले लीजिए आप,
425, 435, 430, तो इन सीरीज़ का कोई भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ले लीजिए, अगर आपका डिवाइस है तो आराम से चल जाएगा। 2GB रैम और क्वाड कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ ये गेम चल जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ डिटेल्स पबजी मोबाइल के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको जो है काफ़ी कुछ पता चला होगा कि इन चीज़ों को कैसे किस तरीके से फिक्स करना है और क्या चीज़ें हैं, किस लिए हो रही हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला हो इस वीडियो के ज़रिए, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।